क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 कांग्रेस ट्रायंगल एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। बी डी एंड सी ई आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी बराबर ए सी। प्रूव दैट बी डी बराबर सी। यहाँ पर आपको गिवन है कि बी डी एंड सी ई बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, दैट मीन्स एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल डी बी सी के और एंगल ए सी ई बराबर होगा एंगल ई सी बी के। और आपको आइसोसेलिस ट्रायंगल दे रखा है, दैट मीन्स ए बी बराबर है ए सी के। आपको यहाँ पर प्रूव करना है बी डी बराबर है सी ई के। तो सबसे पहले हम बाइसेक्टर वाले टर्म को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे बी डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी डी बराबर है एंगल डी बी सी के। और सेकंड लिखोगे आप सी ई इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी ई बराबर हो गया एंगल ई सी बी के। और यहाँ पर आपको दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी बराबर है ए सी के, गिवन आइसोसेलिस ट्रायंगल है। और आपको पता है कि अगर अपोजिट साइज बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के। रीज़न आप मेंशन करोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। एंगल ए बी सी कैसे बना होगा, एंगल ए बी डी और डी बी सी मिला के। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। और एंगल ए सी बी कैसे बना होगा, एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी बी को मिला के। बट अभी आपने यहाँ पर मेंशन किया कि ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर मैं एंगल ए बी डी की जगह डी बी सी लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने इसको दोनों को बराबर किया हुआ है। तो ये आपका बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल डी बी सी बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ई सी बी के। टू से टू कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका रिलेशन निकल गया कि डी बी सी बराबर हो गया एंगल ई सी बी के। तो इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने रिलेशन निकाला डी बी सी बराबर हो गया एंगल ई सी बी के। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल लेंगे और इन दो ट्रायंगल को कांग्रेस करेंगे बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल क्रिटेरिया से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ई बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। तो एंगल ई बी सी बराबर है एंगल डी सी बी के बिकॉज ए बी बराबर है ए सी के, बी सी बराबर है सी बी के कॉमन। थर्ड आप लोगे ई सी बी बराबर है एंगल डी बी सी के फ्रॉम फर्स्ट। तो ट्रायंगल ई बी सी आपका कांग्रेस हो गया ट्रायंगल डी सी बी के बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल क्रिटेरिया। और आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल आपके कांग्रेस हो जाते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइज बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ई सी बराबर है बी डी के बाय यूजिंग सी पी सी टी। सी पी टी सी दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर इट इज़ गिवन दैट आर टी बराबर है टी एस के। एंगल 1 बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 4 बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल 3। प्रूव दैट ट्रायंगल आर बी टी कांग्रेस टू ट्रायंगल एस ए टी। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे आर टी बराबर है टी एस, एंगल 1 बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 4 बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल 3।
ये सारे स्टेप आपको लिखने होते हैं बिकॉज इस सब के मार्क्स मिलेंगे आपको, तो ये चीज़ आप मत भूलना। तो ट्रायंगल आरबीटी आपको कॉन्ग्रेंस करना है ट्रायंगल एसीटी के। अगर आप फिगर में ध्यान से देखो तो एंगल वन और एंगल फोर क्या होंगे, बराबर होंगे बिकॉज वर्टिकली अपॉइंट एंगल्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल वन बराबर एंगल फोर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और आपको बताया कि एंगल वन किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल टू के। तो इस एंगल वन की जगह हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल टू, और इसकी जगह लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री। टू से टू कैंसिल आउट, तो एंगल टू किसके बराबर आ गया, एंगल थ्री के। तो इसको हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर वन। अब आपको गिवन है आर टी बराबर है टी एस के, और आपको पता है कि अगर अपोजिट साइज बराबर होंगे तो उसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल टी आर एस बराबर एंगल टी एस आर के। रीजन आप मेंशन करोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसको हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है और ये वाला एंगल। अगर हम ध्यान से देखें तो टी आर एस आपका भी निकला बराबर है एंगल टी एस आर के फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम टी आर एस की बात करें तो कैसे बना होगा, एंगल टी आर बी प्लस एंगल बी आर एस के, और एंगल टी आर एस की बात करें तो एंगल टी एस ए प्लस एंगल ए एस आर के। बी आर एस आपका एंगल टू है और ए एस आर आपका एंगल थ्री है। तो इसकी जगह पहले वैल्यू पुट अप करेंगे, तो टी आर बी प्लस एंगल टू बराबर है टी एस ए प्लस एंगल थ्री। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंगल टू और एंगल थ्री बराबर है, तो यहाँ पर आप लिखोगे टी आर बी प्लस एंगल थ्री बराबर एंगल टी एस ए प्लस एंगल थ्री। तो एंगल थ्री से एंगल थ्री कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका टी आर बी बराबर हो गया एंगल टी एस ए के। तो इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी आपने रिलेशन फाइंड आउट किया एंगल टी आर बी बराबर हो गया एंगल टी एस ए के। तो हम क्या करेंगे, इसी दो ट्रायंगल को लेंगे और बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल्स क्रिटेरिया से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल टी आर बी एंड ट्रायंगल टी एस ए। तो एंगल टी आर बी बराबर है एंगल टी एस ए के फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, या फिर आप प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हो। आर टी बराबर है एस टी के गिवन एंगल आर टी एस बराबर है एंगल एस टी आर के कॉमन। तो ट्रायंगल टी आर बी कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल टी एस ए के बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल, और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव। तो हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ सच दैट बी सी इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू ए डी, प्रूव दैट लाइन ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट एट ओ। यहाँ पर आपको गिवन है कि ए बी ए डी पैरेलल टू बी सी और ए डी बराबर है बी सी के। टू प्रूव आपको करना है कि लाइन ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट एट ओ, दैट मीन्स ओ सी बराबर ओ डी आपको प्रूव करना है और ओ ए बराबर ओ बी आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करेंगे, यहाँ पर आपको गिवन है कि लाइंस क्या हैं, पैरेलल है, और आपको बताया कि अगर जब लाइंस पैरेलल होती है तो हम अल्टरनेटिव एंगल्स कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए डी पैरेलल बी सी, तो डैट मीन्स एंगल ओ सी बी बराबर होगा एंगल ओ डी ए के और एंगल ओ बी सी बराबर होगा एंगल ओ ए डी के। रीज़न अल्टरनेटिव एंगल्स। अब इन्हीं दोनों को यूज़ करेंगे और इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस करेंगे। तो इन ट्रायंगल ओ बी सी
एंड ट्रायंगल ओएडी। एंगल ओसीबी बराबर एंगल ओडीए के। ऑल्टरनेटिव एंगल्स, बीसी बराबर है एडी के, गिवन। एंगल ओबीसी बराबर है एंगल ओएडी के। ऑल्टरनेटिव एंगल्स, तो ट्रायंगल ओबीसी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल ओएडी बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल क्रिटेरिया। और आपको बताया कि जब दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंस हुए तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स बराबर हुए थे। तो यहाँ पर आप लिखोगे ओसी बराबर है ओडी और ओए बराबर है ओबी के। रीजन आप मेंशन करोगे सीपी सीटी। और अगर आपके दोनों साइड्स क्या होगी बराबर होगी तो दैट मींस ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट एट ओ। और यही आपको क्या करना था प्रूव्ड। तो ये था आपका एक्सरसाइज 12.2 का सलूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। और फर्दर सलूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड करें जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।